Hi guys, welcome to you all in Priyadarshini Talks. Priyadarshini Talks में मैं प्रियंका प्रियदर्शनी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत कर रही हूँ. And I am here again to tell a story between you all. It's not a story, हाँ इसको हम story भी कह सकते हैं. Short form में है. इससे हमें पता चलता है कि किसी चीज़ को खोने का दुख क्या होता है. किसी चीज़ की value हमें तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम उसे खो ना दे. और ये बात हम एक छोटी सी कहानी से अच्छी तरह भली भांति समझ सकते हैं. तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको झट से रीनू और मीरा की एक कहानी. ये छोटी सी कहानी है. रीनू और मीरा दोनों दोस्त थे. दोनों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे. दोनों सोचते थे कि आखिर लोग ये क्यों कहते हैं कि सच्चा प्यार अगर खो जाए तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि दोनों के हृदय में तो किसी के लिए प्यार था ही नहीं. तो बहुत डिस्कशन करते, बहुत एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, सोचते, अपने तर्क देते, जैसे हम फ्रेंड्स में किया करते हैं. बहुत सारे ग्रुप में अगर हम फ्रेंड्स बैठ जाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने लगते हैं और अपने अपने पॉइंट्स बड़े स्ट्रांगली प्रेजेंट करने लगते हैं. तो यूं ही उनमें बातें होती, कोई जीतता कोई हारता अपने मुताबिक. सब सोचते कि नहीं मैं जीता हूँ. तो ऐसे ही दोनों दोस्त जब कॉलेज से जब वो जा रहे थे एक बार घर की ओर, तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई दिया. तो रीनू ने सोचा, दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम जाके इस बाबा से पूछते हैं. तो वो गए उनके पास, पूछा बूढ़े आदमी से, बोला कि बाबा आप कैसे हो. बाबा ने कहा मैं तो ठीक हूँ बच्चों, आप लोग कैसे हो. दोनों ने कहा कि हम भी ठीक हैं. तो दोनों ने पूछा कि अच्छा बाबा हम एक बात पूछना चाहते हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो दुनियादारी को भली भांति समझ सकते हैं, तो आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. बाबा ने कहा, हंसकर कहा कि हाँ बच्चों बोलो क्या है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा लोग ये क्यों कहते हैं कि सच्चे प्यार को अगर हम खो दे, अगर किसी चीज को खो दे तो हमें बड़ा दुख होता है. बाबा ने कहा कि तुम्हें प्यार है किसी से. तो दोनों ने कहा कि नहीं बाबा अभी तक तो प्यार हमें नहीं है. तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम उस बाग जो देख रहे हो ना सामने, उस बाग में जाओ और बाग में जो सबसे सुंदर फूल हो उसे तुम तोड़ कर लाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा. दोनों ने कहा कि ठीक है. दोनों चल पड़े बाग की ओर. बाग में तो भाई सैकड़ों फूल थे, उन्हें सारे फूल प्यारे लग रहे थे. यूं करते करते एक घंटा गुजर गया, उन्हें कोई समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन सा फूल सबसे अच्छा है. ऐसे करते करते दोनों की नजरें एक ही फूल पर टिक गई. वो फूल बड़ा सुंदर था, लेकिन दोनों ने सोचा ऐसे अभी ना तोड़ा जाए, शायद इससे भी सुंदर फूल इस बाग में छुपा हो. बाबा ने कहा है सच में कुछ जादू वादू कुछ तो नहीं हो जाएगा. तो ये सोचकर उन्होंने सोचा कि चलो पहले और भी अच्छा फूल ढूंढ लाए, हम लोगों ने एक घंटा दिया तो अच्छा फूल मिला, क्या पता इससे भी अच्छा फूल मिल जाए. तो यूं सोचकर उन लोगों ने और भी फूल ढूंढने शुरू किए. लेकिन अब तो बहुत समय गुजर चुका था, वो थक भी गए थे. उन्होंने सोचा नहीं वही फूल सबसे अच्छा था. तो वो दोबारा लौटे उसी फूल के पास जो उन्होंने पसंद किया था, उस डाली के पास. जब वो लौटे तो उनके निराशा का कहीं अंत नहीं हुआ, नहीं मिला, क्योंकि वो फूल कोई और ही चुरा कर ले गया था, कोई और ही तोड़ ले गया था. वो तो बड़े निराश हो गए. दुखी मन से वो बाबा के पास आए और वो कहने लगे कि बाबा बहुत ढूंढते ढूंढते हमें एक बहुत सुंदर सा बहुत अच्छा सा फूल पसंद आया था, जो कि हम दोनों को अच्छा लगा था इक्वली, लेकिन हम उसे तोड़ने वाले थे. लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं इससे भी कोई अच्छा फूल मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने उस फूल को छोड़कर दूसरे फूल को ढूंढना शुरू किया. लेकिन फिर बाद में हमें लगा कि नहीं वही फूल सबसे सुंदर था, लेकिन जब हम उसे लेने गए तो कोई और ही उसे तोड़ कर ले गया था और हमारा मन बड़ा उदास हो गया है. तो बाबा हंसने लगे. दोनों ने पूछा बाबा आप हंस क्यों रहे हो, काम तो हुआ ही नहीं. तो बाबा ने कहा कि काम तो हो गया कब का. दोनों ने पूछा क्यों कैसे. तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हें वो फूल कितना प्यारा था है ना, और वो तुम्हें नहीं मिला, तुमने उसे वैल्यू नहीं दिया जब वो तुम्हें मिल रहा था, तुमने उसे लिया नहीं, कोई और उसे ले गया, तो तुम्हारा मन कितना उदास हो गया. इसी प्रकार जब तुम्हें कोई अच्छा लगता है और तुम उसका वैल्यू नहीं देते हो, और एक समय आता है जब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहता है, तब तुम्हें उसकी वैल्यू का पता चलता है, तब तुम्हें उसके ना होने का अंदाजा चलता है और दुख होता है. यही होता है सच्चे प्यार को खो देना. दोनों को अपना जवाब मिल चुका था. दोनों ने बाबा का शुक्रिया किया और दोनों घर की ओर चल पड़े.
खुशी खुशी आज उनको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था. दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. आई थिंक सो कि आपको भी अपने प्रश्नों का जवाब मिल चुका है. इसलिए अगर आप प्यार में हो, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है और आपको वो अप्रोच कर रहा है, वो अच्छा है, आपने देख लिया है और बार बार आप उसे नहीं कह रहे हैं, बार बार आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें. प्यार में ही नहीं, ऐसे ही प्यार में नहीं कि नहीं हम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, घर पे भी अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने मम्मी पापा से. हम कई बार अपने पेरेंट्स को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कई बार अपने सिबलिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये तो मेरा भाई ही है, अरे ये तो मेरी बहन ही है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. बहुत बार ऐसा जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, या घटनाएं नहीं भी होती हैं तो आप ही सोचिए कितने समय तक हम उनके साथ रहते हैं. सब लोग कभी ना कभी अलग अलग अपना जीवन यापन करते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं और बस यादें ही बाकी रह जाती है. इसलिए एंजॉय द मोमेंट यू आर इन. सो एवरी पल को, हर पल को एंजॉय करें, हर जीवन के हर एक मोमेंट को एंजॉय करें, हर एक रिलेशनशिप को एंजॉय करें और हर एक रिलेशनशिप को बड़ी ही शिद्दत से, बड़े ही प्यार से निभाएं. और साथ ही साथ आपको भी उतना ही प्यार, उतना ही इमोशन आपको भी इन रिटर्न मिलेगा. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक्ड इट. एंड इफ यू हैव रियली लाइक द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड शेयर बिटवीन योर फ्रेंड्स. कमेंट ऑन इट. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल बाय प्रेसिंग द रेड कलर सब्सक्राइब आइकन. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट यू कैन रिमेन अपडेटेड एंड नोटिफाइड. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. दिस इज प्रियंका प्रियदर्शनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्रियदर्शनी टॉक्स. टिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल. कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग. गॉड ब्लेस. बाय बाय.